Hello everyone, so guys, welcome to my channel Sloane's Knowledge. Here you will get all knowledgeable videos which is very helpful for you all and gain your knowledge regularly. So keep watching my videos regularly. And video de start karne se pehle aapke mobile ya laptop screens pe रेड कलर के सब्सक्राइब बटन आ रही होगी, उसे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन आएगी छोटी सी गाइस, उसको भी प्लीज क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस देख पाए। सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम्स जस्ट अभी फिनिश हुए हैं और सबके सर से बहुत बड़ा बोझ उतरा है। लेकिन सीबीएसई वालों का एक पेपर लीक हो गया है मैथ्स का, तो उन्हें तो री एग्ज़ाम देना पड़ेगा मैथ्स का। तो उसके वो एग्ज़ाम के बाद, टेंथ के एग्ज़ाम्स के बाद बच्चे सोचते हैं, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा इंटेंशन रहता है कि सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करें, हाउ टू सेलेक्ट सब्जेक्ट आफ्टर टेंथ। तो आज मैं आपको यही टिप्स दूंगी कि आप सही सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें क्लास टेंथ के बाद, जो कि बहुत आपके हेल्पफुल होगा, जो कि बहुत ही काम आएगा आपके। तो वीडियोस को एंड तक देखिए और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, इफ़ यू डोंट लाइक दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द अदर लाइक बटन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स बच्चों को अपने अंदर देखना चाहिए कि उन्हें किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, क्या मुझे बायो में इंटरेस्ट है, क्या मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट है, या मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी सब्जेक्ट, आप मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप मैथ्स ही चूज़ कीजिए। आप कॉमर्स में इंटरेस्टेड है तो आप कॉमर्स चूज़ कीजिए। आप बायो में इंटरेस्ट है या आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप वही सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। और दुनिया के बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। कई लोग क्या होता है, हम चाहते हैं कि हम आर्ट्स लें, पर बाकी लोग जैसे दुनिया वाले बोलते हैं या फिर सभी बोलते हैं कि नहीं तुम मैथ्स लो। हमें आर्ट्स में इंटरेस्ट है, हमें सोशल अच्छा लगता है, बट सभी बोलते हैं कि मैथ्स हो, हमें मैथ्स पसंद नहीं है। बल्कि जबकि हमें मैथ्स पसंद नहीं है और सभी बोलते हैं कि तुम मैथ्स लो और हमको लेना है आर्ट्स, क्योंकि मैथ्स में अच्छी लाइफ है बोलते हैं। जिनको पता नहीं है मुझे, मैं बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है। सभी सब्जेक्ट का अपना एक लाइन है। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है सिर्फ और सिर्फ वही सब्जेक्ट लीजिए। दुनिया वाले के बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। दुनिया बहुत कुछ बोलती है, अगर उनके हिसाब से आप चलेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। सो आपको जो अच्छा लगता है सिर्फ और सिर्फ वही कीजिए। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ वही कीजिए। दुनिया वाले के बातों पर बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। दूसरे की बातों पर आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है कि वो क्या लिए है तो मैं भी वही लूँ, वो बोल रहे हैं तो मैं ले लेना चाहिए, वो अच्छा ही बोल रहे हैं। जिस आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो यही लीजिए। और सेकंड थिंग, आपको काउंसलर से मीट करना चाहिए, यानी आपको काउंसलिंग अटेंड करना चाहिए, आपको काउंसलर से मिलना चाहिए ताकि वो आपके करियर सजेशन आपको दे सकें और आपको बता सकें कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सही रहेगा, आप क्या बनना चाहते हैं। तो आपका जो फ्यूचर एम है उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। जैसे कि आपको इंजीनियर बनना है तो आप मैथ्स लीजिए। मैथ्स इज़ अ मल्टी पर्पज़ सब्जेक्ट, आप मैथ्स लेके कुछ भी कर सकते हो। अगर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे कोई आर्ट्स ले रहा है तो वो आगे जाके एमबीए करेंगे, ऐसा नहीं करना है। एमबीए आपको करना है तो आप कॉमर्स लीजिए ना, आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। अगर आप आर्ट्स लेके एमबीए करते हो तो आर्ट्स तो आपको कुछ काम नहीं आने वाला है एमबीए में, तो आपका 2 साल वेस्ट गया ना। आपको उसी 2 साल में अगर आपने कॉमर्स पढ़ा होता तो आपको बेसिक नॉलेज मिलता। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो फ्यूचर एम है उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए ताकि आपको बेसिक नॉलेज मिल सके। आपको जो बनना है उससे अपोजिट सब्जेक्ट बिल्कुल मत लीजिए। जैसे आपको कलेक्टर बनना है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं, आपको एम बिजनेस करना है, बीबीए करना है तो आप कॉमर्स लीजिए, आपको डॉक्टर का एमबीबीएस करना है तो आप बायो लीजिए, आपको अगर बायो डॉक्टर बनना है तो आप बायो लीजिए, आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप मैथ्स लीजिए। इसमें पेरेंट्स, अब आता है पेरेंट्स रोल। पेरेंट्स रोल का मतलब
पेरेंट्स को पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को। जैसे कि बच्चा चाहते हैं कि हम ये सब्जेक्ट लें, तो पेरेंट्स को पूरा सपोर्ट करना चाहिए उसी सब्जेक्ट को लेने में। उन्हें बोलना चाहिए कि तुमको जो करना है वो करो, तुम्हें जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट लीजिए। पेरेंट्स को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को। पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, वही सब्जेक्ट ले लेते हैं। 11th 12th होना उनका रिजल्ट बिगड़ जाता है और हो सकता है वो आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस ना दे पाए। अगर पेरेंट्स आते हैं मेरा बच्चा इंजीनियर बने, वो ले तो लेते हैं मैथ्स, आगे बन तो जाते हैं इंजीनियर, पर हो सकता है आगे उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा ना हो। तो ऐसा चीज़ करने की ज़रूरत ही क्या है? आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट लीजिए ना। पेरेंट्स को पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को। पेरेंट्स को बिल्कुल दबाव नहीं देना चाहिए। बच्चा चाहता है हम आर्ट्स लें, तो पेरेंट्स को भी साथ देना चाहिए आर्ट्स लेने में। हाँ बेटा तुम आर्ट्स लो, तुमको जो करना है तुम वही करो। पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं तुम मैथ्स लो, तो ऐसे नहीं करना है। बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं और उनको अपना मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिल पाता है और उनका जो फ्यूचर एम रहता है वो बिगड़ जाता है। पेरेंट्स की वजह से अपना वो रास्ता ही बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पेरेंट्स का पूरा पूरा सपोर्ट होना चाहिए बच्चों को, तभी बच्चे का हौसला बढ़े रहता है और वो अपनी जो आगे की पढ़ाई होते हैं वो एकदम हौसले के साथ कर पाते हैं। अब आते हैं सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जो इंटरेस्ट है वही आप सब्जेक्ट लीजिए। ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिए, देख एक दूसरे का देख के कभी कुछ ना कीजिए। अगर आपका फ्रेंड मैथ्स ले रहा है तो आप मैथ्स मत लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आपका फ्रेंड मैथ्स ले रहा है तो आप मैथ्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही लीजिए। कई लोग बोलते हैं, कई लोग से अगर ये क्वेश्चन पूछो तो कई लोग क्या बोलते हैं कि जो सब्जेक्ट का मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है, जो चीज़ का मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है मैं वही सब्जेक्ट लूँगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको वही सब्जेक्ट लेना है गाइस। और कई बोलते हैं कि मैं अपना रिजल्ट आने के बाद सोचूंगा कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है, मेरे मार्क्स के हिसाब से मैं क्या जो सब्जेक्ट लेना होगा मैं वो सब्जेक्ट लूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मार्क्स के हिसाब से आप सब्जेक्ट क्यों लोगे? आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वही सब्जेक्ट लो ना। जैसे आप बायो में आपका इंटरेस्ट है और बायो में आपको कम मार्क्स आ गया, तो आप क्या आर्ट्स ले लोगे, आप क्या मैथ्स ले लोगे? ऐसा नहीं करना है ना। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। आपको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ने में मज़ा आता है वो चीज़, हो सकता है आप इस बार 10th में अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाओ, इसीलिए बायो में आपका जो भी सब्जेक्ट में आपका अच्छा मार्क्स ना आया हो आगे जाके, लेकिन उसमें इंटरेस्ट है आपको तो आप वही सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। आपका जो फ्यूचर एम है उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज कीजिए। आपको जो बनना है उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट को चूज कीजिए। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ वही सब्जेक्ट लीजिए। कोई कितना भी बोले आप उसको ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप अपने इंटरेस्ट को जगाइए। आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ वही काम कीजिए। दूसरा जो भी बोले यू डोंट केयर इट, आपको उसका केयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ वही कीजिए। आपका जो फ्यूचर है ना सिर्फ और सिर्फ वही कीजिए। पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को प्रेशराइज कर देते हैं कि नहीं तुम ये सब्जेक्ट लो या तुम वो सब्जेक्ट लो। तो पेरेंट्स को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पेरेंट्स को बच्चों को पूरा पूरा सपोर्ट करना है कि बेटा तुमको जो लेना है वो लीजिए, इंटरेस्ट है जिसमें वही करो। सो ये थे मेरी आज के कुछ टिप्स। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो वीडियो को अनलाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसी मेरी नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड मिलते हैं एक नए नॉलेजेबल वीडियोस के साथ जो कि आपके बहुत ही यूज़फुल होंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।